नमस्कार। पौराणिक ग्रंथों के विवरण पढ़िए, उन पर आधारित फिल्में या सीरियल देखिए या चित्र देखिए, आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण समेत किसी भी देवता का शारीरिक आकार स्वस्थ सामान्य मानव जैसा ही दिखेगा, जबकि राक्षसों, दैत्यों और उनके अनुचरों का शरीर पर्वताकार दिखाई देता है। मैसेज बहुत साफ है, भगवान ने मानव शरीर में भेजा है, कृपया स्वयं को दानव शरीर में बदलने की गलती ना करें, वरना परिणाम सिद्धार्थ शुक्ला जैसा भयानक ही होता है। स्वस्थ निरोगी सामान्य जीवन के लिए एक्सरसाइज उतनी ही करें जितनी आवश्यक है। स्टेरॉइड के सहारे जिम में तैयार होने वाले दैत्याकार शरीर भयानक परिणाम ही देते हैं। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई आकस्मिक डेथ के कारणों में से प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा एक्सरसाइज और स्टेरॉइड का सेवन भी मृत्यु का कारण हो सकता है। सिद्धार्थ क्योंकि एक सेलिब्रिटी चेहरा थे, इसलिए उनकी मौत चर्चा में है, लेकिन ऐसे हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संजय दत्त और सलमान खान जैसे फिल्मी डोले बनाने वालों की नकल में पागल हो रही युवा पीढ़ी के अनपढ़ वर्ग का जमकर शोषण करने के लिए पिछले दो दशकों के दौरान गली मोहल्लों में अनट्रेन्ड ट्रेनर वाले जो जिम खुले, इनका मैं शुरू से ही बहुत कट्टर विरोधी रहा हूँ। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि महंगे जिम में ट्रेंड प्रोफेशनल ट्रेनर ही होते हैं। आपको फिट और स्वस्थ रखने के लिए अनेक देसी कसरत और योग सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं। उन्हीं पर ध्यान दीजिए, मानव शरीर को दानव शरीर में बदलने की गलती मत करिए। जय हिंद।